और गंगा के बारे में कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यह जो पुण्य फल है, वास्तव में देखें उस मामा को आज मिल रहा है जिसने अपने भांजे के इतने लालन पालन किया और आज उनके ही पुण्य कर्मों का कहना चाहिए जिसका आज हमें भगवान राम की कथा कहने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है। सत्यमेव जयते मानस परिवार एक बार पुनः हृदय से आभार, धन्य है वो मामा। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कलयुग रूपी जो भवसागर है उसको पार करने के लिए एक नौका जो हमें दिया है, और वो नौका है रामचरितमानस। उस रामचरितमानस के अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 चर्चा करने का प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कथा प्रसंग, भगवान राम 14 वर्ष के वनवास, और 14 वर्ष के वनवास भगवान राम, छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता। माता सीता का हरण रावण के द्वारा हरण कर लिया जाता है, और उनको खोजते खोजते भगवान राम कहां पहुंचते हैं, पंपा सरोवर, जहां शबरी माता शबरी जो है भगवान राम का इंतजार करते हैं। और वास्तव में शबरी कौन है? शबरी का अर्थ ही होता है जो सब्र करे। और वास्तव में देखिए, अगर भगवान का कोई इंतजार कोई कर सकता है, लेकिन माता शबरी जिसने उसको केवल कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे कुटिया में भगवान राम आएंगे, और ये किसने कहा, तो कहते हैं कि बुजुर्गों से जो हमने कथा सुनी, माता शबरी का नाम श्रमणा था, और वो एक भील परिवार में एक भील राजकुमारी भीलनी थी, और उनका जब विवाह तय हुआ और जब विवाह की तैयारी हो रही थी, तो वहां बहुत सारे बलि देने के लिए पशु लाए, और उसने जब यह कृत्य देखा तो उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की निर्मम हत्या हो रही है। तो उसने वहां से अपना शादी को छोड़ करके जंगल की ओर चल दी, और जंगल की ओर चले गए तो वहां मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि के आश्रम में गए, लेकिन मतंग ऋषि वहां जो बहुत सारे ऋषि मुनि थे, और ये अपने को नीच जाति की समझती थी, और ऋषियों के जो कार्य है उसमें व्यवधान ना हो, इसलिए वह नित्य ऋषियों के उठने के पहले जो उनके स्नान करने का जो मार्ग है, नदी की ओर जो स्नान करने के लिए जो रास्ता था, उसको रोज साफ कर देते। किसी ऋषि को पता नहीं चलता कि किसने इस तरह से साफ सुथरा रास्ते को कर दिया है। एक दिन मतंग ऋषि ने सोचा कि ऐसी कौन पुण्यात्मा है
जिसने इन रास्तों को साफ कर देते हैं। तो उसने देखा कि एक औरत जो है वो रास्ते को साफ कर रही, झाड़ू लगा रही है। तो उसने पूछा, तो अपनी सारी बात शबरी ने बताई कि मैं अपने शादी को छोड़ करके आपके शरण में आ गया हूं। तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, आज से तुम मेरी पुत्री के समान हो। और जब ऋषि का अंत समय आया तो उसने कहा, उनको एक मंत्र दिया कि आज जो तुमने सेवा हम लोगों की है, आमंत्रित करते हैं दुर्योधन कि आप मेरे यहाँ भोजन करोगे। तो भगवान कृष्ण मना कर देते हैं, न मैं आपका प्रिय हूं और ना ही आपका आतिथ्य स्वीकार कर सकता हूं। उस समय विदुर जी उनको अपने यहां ले जाते हैं और कहते हैं कि विदुर जी की जो पत्नी है वो अपने घर भगवान कृष्ण को आए हुए देखते हैं, इतना मगन हो जाते हैं कि जो केला रखे रहते हैं टोकरी में, वो इतने प्रेम मगन में रहते हैं कि केला को छीलते जाते हैं और जिस केले के जो अंदर का जो गुदा रहता है उसको फेंक देते हैं और जो छिलका है उसको भगवान कृष्ण को देते हैं। और बड़े दयालु, इसीलिए तो कहा है भक्त का मान टले न टले, अपना मान टले टले जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे भगवान जो है अपने भक्त के लिए वो केले का छिलका बड़े प्रेम से खाते हैं, उनको ये नहीं लगता कि मैं छिलका खा रहा हूं। तो ऐसे ही आज माता सबरी जो है भगवान राम को जो जूठे बेर देते हैं उसको प्रेम से खाते हैं, लेकिन वहां पर जो लक्ष्मण जी महाराज है वो खड़े रहते हैं, वो देखते हैं कि भगवान जो त्रिलोकी है उनको आज जूठे बेर दे रहे हैं। और वो जो सबरी जब लक्ष्मण जी को जूठे बेर देते हैं तो उस बेर को खाते नहीं, उसको फेंक देते हैं और कहते हैं कि वही जो बेर है बाद में संजीवनी बूटी का कार्य किया, संजीवनी बूटी के रूप में पौधा बन गया। ऐसे सबरी माता के प्रेम भगवान राम देखते हैं और वह फल बड़े प्रेम से खाते हैं। आइए आगे की कथा प्रसंग एक भजन के माध्यम तो खिलाने वाली, और तीन माताएं ऐसी भी है जो वहां पे खाने वाली। आजकल कतको जग माता मन घलोक रहते, अपन लड़का मन ला खिलाए नहीं, लड़का मन भर कहूं लाए नहीं, कहीं जाना तो अपने खा जाता, खबड़ी कथ हुई। ऐसा माता घलोक नहीं, रामचरित मानस में ना तीन माता खिलाने वाली और तीन माता खाने वाली। आइए आगे की कथा प्रसंग एक भजन के पश्चात। सबरी के श्रद्धा पूर्वक दृढ़ विश्वास पूर्वक अपन स्वामी की राह दिखा, प्रभु आज आई नित काली जरूर आई परंतु जरूर आई, ऐसे विश्वास करके सुरता की डोरी लंबाई सबरी प्रभु की राह दिखा। राम नाम सब कोई जपे ठग ठाकुरी आम चोर, बिना प्रेम रीत है आई काल दे आई सांझे आई बिहाने आई अरे आगे आई काल दे आई सांझे आई बिहाने आई
पृथ्वी नाम चंद्र शंकर हरी